तसव्वुर नहीं थी कि अंग्रेज़ों तू भी कोई यानी आज़ादी हासिल करना मुमकिन है वे। और उन्होंने इस तसलसल जिद शेर भी आख्या कि हिंद वासी वो रखना याद सानू कितने दिलों तो ना भुला देना। सराबा की यह शायरी जी है तो मुतासर भगत सिंह भी सी ये साथी भी सन तो इन्हें फिर लहर इस मूवमेंट में इस तहरीक अगे चलाया और जिमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े जिमें इन्ह असम्बली बंब सुटिया फिर 23 मार्च में इन्हों फांसी दिती गई और इन्हें चुम के फांसी जी अपने कबूल की और किधरे भी इन्हों का एक लम्हे भी हौफ का कोई डर का जोड़ा है ना वो ऐसा लम्हा आया ही नहीं इन्हों के उत्ते। तो मैं समझना कि भगत सिंह की यो ही कुरबानी जी इन्हें बेशुमार जोड़ा लोगों जगया बाद के जोड़े लीडर सन भावें कांग्रेस में हो महात्मा गांधी या मुस्लिम लीग के कैदे मुहम्मद अली जना लेकिन आगाज करने वाला ये घर थी ये असी 105 गाफे बंगे ये जड़ावाला की तहसील का एक पिंड है वो इस टाइम खड़े हाँ और मैं इस मौके पर ये जो घर में संभाले है इकबाल वीरक ने सख वीरक और बिलाल वीरक इन्हों मुबारकबाद दिना कि इन्हें उसकी याद में ताज़ा रखे है बल्कि सड़क के उत्ते भी बोर्ड लवाए ने ताकि आने जाने वाले जिन्होंने नहीं भी पता इसकी तारीख का उसकी तारीख तो जाणू हो और लोग आते भी ने इन एक ऐसा मकाम समझ के जिसे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के हवाले जो एक तहरीक शुरू हुई और उदी अगली नवी शकलें बनी कि हिंदुस्तान तकसीम होया और पाकिस्तान से हिंदुस्तान बनया। तो मैं समझना क्या वो मुकाम है फिर इस हवाले भी मैं अज बड़ी अहमियत दे रहा कि 27 सितंबर में उन्होंने पैदायश है तो उस हवाले असं समझने कि उन्होंने पैदायश के हवाले उन्होंने जन्म के हवाले भी जरा असी इस जगह पर अपनी एक फेरी रखीए विजिट रखीए ताकि असी उस आज़ादी के उस मुजाहिद उस सूरमे उस योधे का नाम जोड़ा वो जिंदा कर सकी तो उन्हें अज के दौर भी पंजाबी का और उस दौर के भी एक क्योंकि एक ना हूँ बन चुका ज पूरे दुनिया दिया तहरीकों के भगत सिंह का कि उन्हें किस तरह अपनी जान जी उस आज़ादी के उत्ते कुरबान कर दी और किस तरह भी एक एड्डी वड्डी दुनिया की सुपर पावर थी अज तो असी नहीं ना सोच सकते कि उस वेले जिहड़ा असी बरतानिया या वो कितना वड्डा वो ताकतवर थी अज असी अमरीका देख रहे हैं लेकिन नहीं ये ऐसी गौरमेंट की जो फैलाओ इन्ना वड्डा सी कि वो किसी न किसी जगह उत्ते किसी न किसी मुल्क उत्ते सूरज जिहड़ा निकले आंदा कदे उन्हां दी जिहड़ी सल्तनत उत्ते सूरज रूप नहीं सी हुंदा इन्नी वड्डी गौरमेंट सी और उहदे नाल मथा लैना लोहा लैना और फिर अपनी जान अपनी कौम लई कुरबान कर देना वो मैं समझना ये भगत सिंह दा ही जिहड़ा वो उन्हों का चेवा उन्हों का कम सी। बाकी अज असी ये शेर जो सराबे का जोड़ा है करतार सिंह सराबा का आदि दोबारा दोहरा देना कि हिंद वासी रखना याद सानू किसे दिलों तो ना भुला देना। उस वेले की बेरी लगी है जो इतना भगत सिंह का घर हों वालदैन का घर थी माँ प्यो का मिट्टी चुके ला लेंगे इस चीज ਤੇਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁੱਕਤੀ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
राजगुरु सुख देव सरमा